हम बात करने वाले टॉप थ्री इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में, जहां से आप 1,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का लोन आप आसानी से ले सकते हैं, वो भी सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर। अगर आपको लोन की इमरजेंसी है, अगर आपने कई जगह लोन के लिए ट्राई कर चुकी है, अगर आपको वहां पे लोन नहीं मिल रहा, अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा भी डाउन है, तो आप इन तीन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100% तीनों एप्लीकेशनों में से हो सकता है कि एक दो एप्लीकेशनों में आपका लोन यहाँ पे अप्रूवल हो जाए, वो भी सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर। हमें आपको स्क्रीन पे चल के तीनों एप्लीकेशन कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रीन ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है एम पॉकेट। जो एम पॉकेट एप्लीकेशन है 4.4 की इसकी रेटिंग है, जिसके डाउनलोड है वो 1 करोड़ प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बैक पे करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे टिक पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में 30,000 रुपए तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। 1,000 से लेके 30,000 रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो साफ साफ लिखा है 1.5 करोड़ इनके यहाँ पे इंडियन कस्टमर यहाँ पे है। 500 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम लगाया गया, 0% से लेके 2-4% पर मंथ, और जिसका टेनवर मिलने वाला आपको 61 डे से लिए 120 दिन तक का आपको यहाँ पे टेनवर मिलने वाला है। और कंपनी आप पूरे तरीके से RBI रजिस्टर फॉर्म है, आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई फ्यूचर में आपको यहां पे साफ साफ लिखा है, सिर्फ आपको यहां पे पैन कार्ड लगने वाला है, आधार कार्ड लगने वाला, एक आपकी यहां पे लगेगी सेल्फी। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप सैलरी द्वारा भी यहां पे लोन ले सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप ID के द्वारा भी यहां पे आप यहां पे लोन ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पे आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 18 प्लस होने चाहिए, तो ही आप यहां से लोन यहां पे ले सकते हैं। उसके बाद जो मुझे लोन मिला, कितना मिला, वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। उसके लिए मैं फिर से बैक करता हूं, तो इसको ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस यहां पे निकल के आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे सिलेक्ट अमाउंट करके मैं यहां पे जो लोन है वो अप्रूवल कर सकता हूं। पर मुझे अभी इस लोन की यहां पे जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे लिखा प्री अप्रूवल लोन ऑफर, 10,000 रुपए का मुझे यहां पे जो लोन ऑफर यहां पे मिल चुका है। उसके बाद मैंने वेरिफिकेशन यहां पे कंप्लीट कर चुका हूं। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फी वीडियो भी वहां पे अपलोड कर दी है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे लोन चाहिए तो आपको एक वीडियो भी यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। साथ में आपको सेल्फी और साथ में छोटी सी वीडियो क्लिप आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, तो ही आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है बाकी बहुत ही एप्लीकेशनों से बाकी बहुत ही कम है। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आपको स्टूडेंट होके कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, तो आपके पास आईडी कार्ड है, तो आप आईडी कार्ड के द्वारा भी इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। एम पॉकेट में जो आपको वहां बैलेंस आएगा पेटीएम द्वारा यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मुझे यहाँ पे लिमिट दिखा रहा था पूरे 10,000 रुपए के दिखा रहा था, मुझे सिर्फ अपनी एम्प्लॉयड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। जैसे मैं अपनी एम्प्लॉयड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करूंगा, तो 10,000 रुपए का लोन मैं यहाँ पे ले सकता हूं। बाकी मुझे अभी इस लोन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं बैक पे क्लिक करता हूं, तो सेकंड एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। सेकंड एप्लीकेशन है ताला। जो ताला एप्लीकेशन है बहुत अच्छी कंपनी है, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 3.6 इसकी रेटिंग है, जिसके डाउनलोड है वो 10,00,000 प्लस इसकी यहाँ पे डाउनलोड है। जैसे मैं इसके डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो अबाउट सेक्शन पे मैं आके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको जो यहाँ पे लोन मिलेगा सिर्फ 10,000 रुपए तक का ही आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है, जिसका आपको टेनवर मिलेगा 91 डेज का यहाँ पे टेनवर मिलेगा। किसी प्रकार का जो आपको यहाँ पे टेनवर मिलेगा पूरे 91 डेज का आपको यहाँ पे टेनवर मिलेगा। 10,000 रुपए का यहाँ पे लोन मिलेगा, फास्ट अप्रूवल रहने वाला है यहाँ पे, और साथ में नो सैलरी स्लिप बैंक स्टेटमेंट, आपको किसी प्रकार के सैलरी स्लिप बैंक स्टेटमेंट की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। 100% पेपरलेस एप्लीकेशन है। 91 डेज का आपको लोन, किसी प्रकार के आपको यहाँ पे 30 दिन का 60 दिन का लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको आज लोन अप्रूवल होता है तो आपको 91 डेज के बाद ही इसको यहाँ पे रिपे करना है। पर डे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे 24x7 कस्टमर सपोर्ट है इनका, आप वहां से जाके भी वहां पे बात कर सकते हैं। अब जो मुझे लोन मिला कितना मिला वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे मैं अपना पासवर्ड को यहाँ पे फिल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे कितना लोन यहाँ पे अप्रूवल हुआ है। अभी पासवर्ड यहाँ पे फिल नहीं हो रहा, फिर भी मैं यहाँ पे पासवर्ड को फिल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली थी 3269 रुपए की, मुझे यहाँ पे लिमिट मिली थी। जैसे मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 18 फरवरी को मुझे जो लोन था अप्रूवल हुआ था, फरवरी मार्च अप्रैल मई 20 मई को मुझे इसको यहाँ पे करना है। इसका जो इंटरेस्ट लगा था मेरे ऊपर 2.96% यहाँ पे लगने वाला था,
और टिल भी इंटरेस्ट लगा था 47 डे का 139 रुपए इंटरेस्ट यहाँ पे लगा था। अब जो मुझे इसको रिपेमेंट करनी है वहां पे 7 अप्रैल को करनी है। सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि अगर आपको यहाँ से लोन अप्रूवल हो जाता है 1000 से लेके 10000 रुपए का, तो आपको 91 डेज के बाद इसको यहाँ पे अप्रूवल कर मतलब कि इसको रिपे करना है। अगर आपके पास रिपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो 91 डेज के अंदर आप यहाँ से कहीं से भी अरेंजमेंट करके इसको जैसे आप पे करेंगे तुरंत ही आपकी लिमिट भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेरी लिमिट यहाँ पे पहले बहुत ही कम थी, तो जैसे ही मैंने इनकी यहाँ पे रिपेमेंट की तो मेरी यहाँ पे रिपेमेंट भी यहाँ पे बढ़ा दी गई। तो मेरी यहाँ पे जो रिपेमेंट आप कर दी थी इन्होंने 3269 रुपए कर दी थी। 1000 रुपए का फर्स्ट टाइम आपको हो सकता है कि लोन मिले, पर आपको पूरे 91 डेज का यहाँ पे जो लोन है अप्रूव होगा। किसी प्रकार से आपको 7 दिन 15 दिन 30 दिन 60 दिन का लोन नहीं मिलने वाला, पूरे 91 डेज का ही आपको यहाँ पे जो लोन है अप्रूवल देखने को मिलेगा। और ये एप्लीकेशन भी पूरे तरीके से एनबीएफसी कंपनी है, आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो थर्ड एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जितनी एप्लीकेशन है उसमें मैं आपको साफ साफ लाइव प्रूफ भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के साथ ही आपको यहाँ पे बताऊंगा। कोई भी मैं आपको प्ले स्टोर पे जाके ऐसे नहीं बताने वाला कि जहां से मुझे वहां पे लोन ना मिला हो, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन में मैं ऐसे बता के मेरे को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस एप्लीकेशन से मुझे लोन मिला कितना इंटरेस्ट लगा कितना इंटरेस्ट नहीं लगा तो ही आपको वहां पे भी मतलब कि उस एप्लीकेशन पे ट्रस्ट होगा कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क कर रही है। अब जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है रूफिलो। जो रूफिलो एप्लीकेशन है इसकी रेटिंग है 4.4 की इसकी रेटिंग है, जिसके डाउनलोड है वो 50 लाख प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बैक पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट सेक्शन पे आया हूँ। तो जैसे मैं इसको अबाउट सेक्शन पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5000 से लेके 25000 रुपए तक का आपको यहाँ पे लोन मिलेगा, जिसका टेन्योर रहने वाला 3 मंथ से लेके 24 मंथ तक। जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे दिखा रहा है 14% से लेके 28% तक का इसका रेट ऑफ इसका इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे पूरे 26000 रुपए का यहाँ पे जो लोन था अप्रूवल हुआ है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है आपकी एज 21+ होनी चाहिए, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम सैलरी 12000 से लेके 15000 होनी चाहिए तो ही आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए तो ही आप इन एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मुझे लोन मिला कितना मिला वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। उसके लिए मैं जैसे इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ऐसा इंटरफेस यहाँ पे निकल के आएगा। लाइव प्रूफ ही आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे वर्किंग में है या नहीं है। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आपको नहीं दिखाऊंगा कि जो एप्लीकेशन यहाँ पे वर्किंग में ना हो, आपके डॉक्यूमेंट भी वहां पे खराब जाए। उसके बाद मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 26700 रुपए का मुझे यहाँ पे जो लोन था अप्रूवल हुआ था। HDFC बैंक में मेरा जो अमाउंट था वो क्रेडिट किया गया था और 24295 रुपए मेरे अकाउंट पे यहाँ पे क्रेडिट हुए थे। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट रेट 18% यहाँ पे लगने वाला था। टेन्योर लगा है इसका 62 डे के लिए सिर्फ मेरे को मिला, क्योंकि इसकी जो टेन्योर है बहुत ही कम मिला। उसके बाद यहाँ पे लिखा है CIF रिपोर्ट अमाउंट लगा है 899 रुपए, जिसकी यहाँ पे फर्स्ट EMI बनी थी यहाँ पे 12816 रुपए, जिसके ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है 408 रुपए बना के यहाँ पे 13224 रुपए मेरी यहाँ पे फर्स्ट EMI जाएगी। उसके बाद जो सेकंड EMI है 13884 रुपए, जिसके ऊपर भी यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया 212 रुपए। उसके बाद इसकी EMI बनी है 14096 रुपए। ये मैंने आपको तीनों एप्लीकेशन बताई, तीनों एप्लीकेशन में लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाया कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे वर्किंग में है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ बताया क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट रेट है थोड़ा सा भी हो सकता है कि ज्यादा हो, बाकी जिसका टेन्योर आपको वहां पे बहुत ही कम देखने को मिला है, क्योंकि इसका टेन्योर कम से कम हमारे को 5 से 6 मंथ का यहाँ पे मिलना चाहिए, पर यहाँ पे जो टेन्योर मिला है हमारे को पूरे 65 डे के लिए मिला। इतनी बड़ी EMI मिली है यहाँ पे 13224 रुपए। अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहती हो तो जब आपको लोन अप्लाई करना है जब इसकी आप रिपेमेंट कर पाए, बेवजह लोन को आपको अप्लाई नहीं करना। अगर आप बेवजह लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो अगर आप उसकी रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको हरासमेंट के लिए कॉल भी आ सकती है। तो सिर्फ मैं सजेस्ट यही करूंगा कि मैंने जो एप्लीकेशन बताई है आप उस पे जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको सुटेबल लगती है एप्लीकेशन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको टेन्योर ठीक लगता है कि जिसमें आप उसको टेन्योर को भी पे कर सकते हैं तो आप उसको वहां पे टेन्योर के हिसाब से पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये दो मतलब कि दो EMI आप नहीं पे कर सकते तो आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि बेवजह आप अगर मतलब कि रिपे नहीं कर पाएंगे तो आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा और साथ में आपको हरासमेंट के कॉल भी आएंगी। बहुत ज्यादा कॉल आती है इनकी अगर आप इनकी रिपेमेंट नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।